हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी प्रिंस। मैं हूं आप लोगों का प्रिंस। आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आप लोगों का दिवाली बहुत बढ़िया गुजरा होगा। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग लाइटरूम डाउनलोड कर रहे हैं बहुत सारे लिंक्स है, लेकिन एक एरर आ रहा है, ये वाला एरर। ठीक है, तो स्काई सिलेक्शन या सब्जेक्ट सिलेक्शन ये आप लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे, 50 MB का जो अपडेट है वो नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए उसके ऊपर आज ये पूरा वीडियो है। आप वीडियो के एंड तक देखना और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक बोनस टिप बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो बहुत सारे लोग लाइटरूम के एप्लीकेशन ऑलरेडी यूट्यूब से हो या क्रोम से हो डाउनलोड कर लिए होंगे, तो वही वाला आपके पास रखिए। उसका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन या स्काई सिलेक्शन ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है उसके ऊपर मैं जेन्युइन वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग एंड तक देखिए। ठीक है, तो कौन सा एरर आ रहा है आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। ये यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, इसके बाद कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लाइटरूम ओपन करता हूँ। मेरा स्क्रीन आप लोगों को इस साइड आ रहा होगा, तो बोलना भूल गया था मैं। तो एक फोटो मैं ऑलरेडी ऐड करके रखा हूँ, दिवाली वाला फोटो, या आप लोग मेरा इंस्टाग्राम में चेक कर सकते हैं। नीचे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, जाइए विजिट कीजिए, मेरे साथ बात कीजिए। तो देखिए, मास्किंग वाला जो ऑप्शन है उसमें मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए सब्जेक्ट सिलेक्शन प्रीव्यू, ठीक है, उसमें क्लिक करता हूँ। देखिए सब्जेक्ट सिलेक्शन डाउनलोड फेड, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। ट्राई अगेन करने के लिए बता रहे हैं, ट्राई अगेन करूँ ना फिर भी सेम दिक्कत होगा। देखिए स्काई सिलेक्शन में भी सेम प्रॉब्लम है, देखिए सेम प्रॉब्लम है, समझ गए आप लोग। तो इसके लिए आप लोग इसको अनइंस्टॉल मत कीजिए, देखिए इसका क्लियर डाटा कीजिए सबसे पहले। देखिए ऐप इन्फो, इसके बाद इसका क्लियर डाटा कीजिए, क्लियर ऑल डाटा हो गया। इसके बाद मैं आप लोगों को पूरा स्टेप्स बताऊंगा, एक भी स्टेप्स मिस मत करना। पहले लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, उसके बाद देखिए कुछ पॉपअप्स वगैरह आएगा तो स्किप कीजिए। स्किप करने के बाद देखिए साइन इन का जो बटन है ना, ये देखिए साइन इन ब्लू वाला, नीचे गूगल एप्पल या फेसबुक किसी का नहीं, साइन इन में क्लिक कीजिए। साइन इन में क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास एडोबी आईडी होगा या बना लीजिए, कैसे बनाना पड़ता है। तो क्रिएट अकाउंट में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह ऐसा एक पेज आ जाएगा, उसमें आप लोगों को फुल फॉर्म फिलअप कर देना है। ठीक है, ईमेल आईडी देना है, फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, उसके बाद आप लोगों को ये पासवर्ड देना है। पासवर्ड एक स्पेशल कैरेक्टर देना, मतलब एक कैपिटल और एक स्मॉल और एक @ दे देना। और नीचे देखिए मंथ, मतलब आपका बर्थ डेट जो है वो दे देना, उसके बाद कंट्री इंडिया दे देना है। ठीक है, बाकी आप जो कंट्री से वो आप लोगों का दे देना। फिर क्रिएट अकाउंट कर देना, फिर एक पासवर्ड, एक वेरिफिकेशन कोड आपका जीमेल में आएगा। ठीक है, उसको इधर आके इनपुट कर देना है। तो मेरा ऑलरेडी साइन इन है, तो मैं ऑलरेडी कर लेता हूँ साइन इन। तो देखिए मेरा ऑलरेडी साइन इन हो चुका है, इसके बाद आप लोगों को कोई भी एक फोटो ले लेना है। ठीक है, कोई भी एक फोटो अलाउ कर देना, अलाउ करने के बाद कोई भी एक फोटो ले लीजिए। ठीक है, इसको ऐड कर देना, ऐड करने के बाद ऑल फोटोज में आप लोगों को क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मेरा फोटो ऑलरेडी इंपोर्टेड हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को कहाँ जाना है, सिलेक्शन में लेफ्ट में नीचे जो है, इसको स्किप कर दे रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं सॉरी मास्किंग में। मास्किंग में जाने के बाद ट्राई ऑन माई ओन, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। तो इसके बाद नीचे देखिए एक स्लाइडर है, ठीक है, ये देखिए स्लाइडर। इसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट प्रीव्यू, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद देखिए शो टेक प्रीव्यूज, इसमें आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन स्काई, ठीक है, इसमें आप लोगों को क्लिक कर देना है। फिर बैक आ जाना है, बैक आने के बाद देखिए प्रिपेयर फॉर फर्स्ट टाइम, आपका डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, देखिए 1% 3% ऐसा स्टार्ट हो गया, थोड़ा टाइम लेगा डाउनलोड होने के बाद। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। ठीक है, 2000 years later, सो फाइनली गाइस ये डाउनलोड हो चुका है। आप लोगों में ये काम कर रहा है कि नहीं काम रहा है, सिलेक्ट सब्जेक्ट आप लोगों में दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मास्किंग में क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद प्लस वाला आइकन में मैं क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए थोड़ा टाइम लेगा डिटेक्टिंग सब्जेक्ट, इसके बाद थोड़ा डिफाइनिंग एजेस करेगा। ठीक है,
तो इसको थोड़ा टाइम दे देना है, थोड़ा मतलब 2-3 सेकंड दे देना है। देने के बाद देखिए ये बहुत बढ़िया से आपका जो फोटो है मतलब जो सब्जेक्ट है पोर्ट्रेट है उसको सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद देखिए कोई भी कलर्स इसको सैचुरेशन में बढ़ा भी सकता हूँ, एक्सपोजर इसको भी बढ़ा सकता हूँ, डिटेलिंग शार्पनेस इसका बढ़ा सकता हूँ, क्लैरिटी डीएच कुछ भी मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्लिक कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस फोटो में स्काई नहीं है इसलिए स्काई डिटेक्ट नहीं करेगा, तो मैं दिखा दे रहा हूँ कि इसका स्काई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब सिलेक्ट स्काई, देखिए डिटेक्टिंग स्काई, तो इस फोटो के अंदर स्काई नहीं है तो ये स्काई डिटेक्ट नहीं करेगा, मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। देखिए रिफाइनिंग रिजल्ट्स दिखा दे रहा है, देखिए नहीं ले ले रहा है, अरे वाह, तो ब्लैक वाला जो बैकग्राउंड है उसको स्काई समझ ले है, तो इसको मैं डिस्कट कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका प्रॉब्लम आप लोगों का 100% सॉल्व होगा ही होगा। अगर नहीं होता है तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, उधर आप लोग मुझे SMS कीजिए। और लास्ट में मैं आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ एक बोनस टिप जो आप लोगों के लिए था, बोनस गिफ्ट या कुछ भी हो जो है, अगर आप लोगों को ये वाला एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है, मैं किस एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ, लाइट रूम का कौन सा एप्लीकेशन आप लोग समझ ही रहे होंगे, तो इंस्टाग्राम में मुझे SMS कीजिए, DM कीजिए आप लोग, और मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें। नीचे मेरा टेलीग्राम का आईडी दिया गया है, उधर आप लोग ज्वाइन करके रखें और इंस्टाग्राम में मुझे SMS कीजिए मतलब DM कीजिए, मैं आप लोगों को ये जो ऐप है आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे तैसे करके हो, कुछ भी दिक्कत होता है इंस्टाग्राम में पूछ दीजिए, मैं खुद से आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों का। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब इंक्रीज भी हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।